अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस सर्दी के टाइम आप इसे बनाकर खाएं, आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बोल और इसमें हम डालेंगे 2 कप डालेंगे इसके अंदर हम चावल का आटा। तो चावल को आप अच्छे से ग्राइंडर में पीस के इसका आटा बना लीजिए और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो इस तरीके से बारीक ग्रेट कर लीजिए आप ग्रेटर से और यहाँ पे अच्छे से मैं पनीर को मैं यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज का पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे बारीक चॉप कर लीजिए हरे प्याज का पत्ता, इसे डाल दीजिए। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन डालेंगे, तो इसे अच्छे से क्रश करके डाल दें, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, तो तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिया है चाट मसाला, तो इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके अंदर आप 1 चम्मच चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और इसके बाद हम डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही साथ इसके अंदर हम 1 नींबू का रस डाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी डाला है और नींबू भी डाला है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन सबको हम मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम हल्का सा पानी डालकर इसका हम टाइट सा डो तैयार करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान से पानी इसमें ऐड करना है क्योंकि हमने इसके अंदर पनीर भी ऐड किया है, तो पनीर का अलग से मॉइस्चर है इसके अंदर। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट सा आटा इसका लगाना है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हल्के हाथों से हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पानी डालकर हम इसका सख्त आटा गूंद लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे टाइट हो गया, इस तरीके से अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जब इस तरीके से आपका जब आटा हो जाए तो इसमें आप 1 चम्मच के करीब थोड़े से रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल डालकर और बस इसको हम अच्छे से टाइट डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको आटा लगाते वक्त सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा गीला हो जाए, तो इसमें आप 1/2 कप के करीब चावल का आटा ऐड कर दें या फिर मैदा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आटा रेडी हो गया है, फिर साइड करेंगे। और चलिए इसके लिए हम छोटी छोटी लोई लेंगे, तो जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोई ले लें और इसको आप छोटे छोटे इस तरीके से लोई लेकर इसको हम पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हाथों से हल्के हाथों से इसको हम इस तरीके से हम गोल कर लेंगे और थोड़ी देर सूखा आटा यहाँ पे डालकर और इसको हम बेल लेंगे। तो इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं पनीर और चावल के आटे से इतना टेस्टी नाश्ता, और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जो है पूरी बना लिया है और देख सकते हैं कि चावल के आटा जो है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इस तरीके से किनारे जो है थोड़ी सी वो किनारे जो है फट जाता है। तो इस तरीके से आप कटोरी लेकर उसमें आप शेप में कर सकते हैं और इस तरीके से गोल शेप में इसको करके और आप इस तरीके से बेल सकते हैं। साइड के जो किनारे हैं उसको आप साइड कर दीजिए और बाकी की पूरी भी इस तरीके से आप रेडी कर लीजिए बनाकर और इसको साइड करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी हम पूरी है उसको हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से फटाफट हम लेंगे लोई और इसको बेलेंगे और इसको इस तरीके से गोल करके शेप में आप इसको कट कर लीजिए और बस रेडी कर लीजिए। और बाकी की हमारा जो यहाँ पूरी है बनकर रेडी है और तेल भी हल्का सा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब चलिए हम पूरी को तल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पनीर और चावल के आटा से बहुत ही बढ़िया सा हम यहाँ पे पूरी यानी कि सुबह के नाश्ते के लिए हम रेडी कर रहे हैं। तो आप चाहे सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, शाम के भी वक्त बनाकर इसे खा सकते हैं, चाय के साथ किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया है, अब दूसरी तरफ भी पलट कर इसको अच्छे से हम तल लेंगे पूरी को और बस हमारा जो पूरी है यहाँ पे बनकर रेडी है। तो इस तरीके से क्रिस्पी और करारी बनकर आपका पूरी जो है रेडी है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई करिए और बनाइए और इन्जॉय करिए और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी के पूरी भी हम इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं फुली फुली सी हमारा यहाँ पे चावल और पनीर के पूरी जो है बनकर रेडी है, बनाइए और इन्जॉय करिए। बहुत ही एकदम चटपटा सा हमारा यहाँ पे चावल के आटे और पनीर से बहुत ही मज़ेदार सा पूरी रेडी है बनकर, और एंजॉय करिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक एक करके सभी पूरी को तल लिया है। अब इसको हम जैसे कि देख रहे हैं कि इसको तोड़ कर देखेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हमारा यहाँ पर पूरी जो है रेडी है और खाने में इतना टेस्टी है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग को बेहद पसंद आने वाली है। और देख सकते हैं कि बहुत ही अंदर से देख सकते हैं कि कितना देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार का ये पूरी है हमारा नाश्ता है, सुबह में या शाम में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इंजॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।